बात देश की हो या विदेश की, समाज की हो या फिर विकास की, अपराध की हो या अपराधी की, चाहे हो राजनीतिक पहलुओं को छूता हुआ कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबी हुई हमारी फिल्मों की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप मुझे देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बहुजन मुक्ति पार्टी के नेताओं ने भाजपा की नीतियों को जन विरोधी करार दिया है और आम जनता पर बढ़ते बोझ के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के धर्मेंद्र कुमार चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति जन विरोधी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनी गई घोटाले की सरकार है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने एससी व एसटी की योजना में कटौती के साथ मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार जाति आधारित पर काम कर रही है, जनगणना को सार्वजनिक करने से कतरा रही है। ईवीएम द्वारा नागरिकों के वोटों को, मौलिक अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से छीनना लोकतंत्र को खतरे में डालने का भाजपा ने भयानक षड्यंत्र किया है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए पुनः बैलेट पेपर से वोटिंग करानी चाहिए। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र कुमार चौहान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये मांगे तो अनगिनत है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो धरने प्रदर्शन कर रही है, भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने जो भी वादे किए उनमें से एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। रोजगार देने की बात थी, शिक्षा पर ध्यान देने की बात थी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात थी, लेकिन हम लोग तो ये देख रहे हैं, हम लोग सोचे कि आज हो सकता है कि ये गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन गड्ढा मुक्त ना होकर के योगी जी ने इसको गोबर युक्त कर दिया है, इस सड़कों को ही गोबर युक्त कर दिया। इसलिए हम लोग जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित पदाधिकारी हैं, हम लोग ये बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये केंद्र और प्रदेश सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग अगर नहीं चेते और आप अपनी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं अगर उसको आप लोग नहीं संभाले, अगर उसको नहीं ध्यान में रखे और जो वादे किए थे कम से कम उसमें से सिर्फ 50% ही वादे आप पूरा कर दीजिए। एक लाख एक करोड़ जो नौकरी देने की बात थी, मैं तो कह रहा हूँ कि 25,000 ही नौकरी पहले बांटिए, लेकिन ये वो भी करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता के साथ ये सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ है। इस छलावा के विरोध में हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इस पार्टी के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि अब कम से कम भाजपा के लोग, भाजपा के जो शासक लोग हैं वो संभल जाए, नहीं तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी आज रिक्सा स्टैंड आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रही है, कल पूरे प्रदेश, कल पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी और ये जो शासक वर्ग है उन लोगों की ईंट से ईंट बजाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी कर देगी। आपका नंबर हो गया है, ये धरना प्रदर्शन वास्तव में इस देश में योगी और मोदी की जो गवर्नमेंट चल रही है, प्रदेश में योगी सरकार और देश में योगी मोदी सरकार, ये वास्तव में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ईवीएम में घोटाला करके बनी हुई सरकार है। इसलिए ये सरकार जनता के हित में एक भी काम नहीं कर रही है, जनता के साथ धोखा धड़ी करके गई गोरमान बनी और आज भी धोखे धड़ी हो रही। तो जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं,
उसके विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जिले स्तर पे ये धरने मोर्चा का प्रदर्शन किया गया और वैसे राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जय धन्यवाद। बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष दुर्गेश यादव आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ और ये कार्यक्रम जो धरना प्रदर्शन का है पूरे प्रदेश में, ये जो भी सरकार के विरोध में जो भी सरकार तमाम कर्मचारी से लेकर के महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर किसानों से लेकर सारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं उनके विरोध में आज ये कार्यक्रम जो है रखा गया और बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ से CIB इंडिया न्यूज़ के लिए अंकित सिंह की रिपोर्ट।